बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह के फजल व करम से आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं आज आपको 6 से 7 साल की बच्ची का ट्राउजर बनाकर दिखाऊंगी इन पीसों से। पहले मैंने इसके साथ फ्रॉक जो बनाई थी उसकी भी वीडियो अपलोड की हुई है, आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। बचे हुए कपड़ों से ट्राउजर तैयार करके दिखाऊंगी। ये ट्राउजर के ऊपर से बचा हुआ पीस है, ये साइड से। अब इसकी लंबाई लेके नीचे से अजाफी पीस कटाई कर लूंगी। ये 4 पीस हैं। इसकी लंबाई मैंने रखी है 23 इंच। नीचे से अजाफी पीस उतार दूंगी। इसके साथ ये वाला पीस रखूंगी, इस तरह से फोल्ड करके। अब 5 इंच का नाप लूंगी। 5 इंच की मैंने चौड़ाई रखी है 5 इंच की। ऊपर से इसकी चौड़ाई रखूंगी 10 इंच। अब यहां पे सीधी लाइन ड्रा करूंगी। आसन इसका मैंने रखा है 9 इंच। अब यहां से इसकी गुलाई कर लूंगी इस तरह से। अब यहां से कटाई करूंगी इसकी। ये जो पीस मैंने फ्रंट पे अटैच करना है इसे मैं दरमियान से कटाई कर लूंगी। इस पीस की चौड़ाई 7 इंच है। ट्राउजर की मैंने जो कटाई की थी ऊपर से बचा था पीस मैंने पूरा ही रख लिया। लंबाई में जो ट्राउजर में से बचा हुआ पीस है मैंने पूरा ही रख लिया। अब मैं नीचे जो है 2 इंच कपड़ा छोड़ूंगी और यहाँ पे सिलाई लगाऊंगी 1 पैर की। और इसी तरह से मैं इस ट्राउजर के 10 इंच तक जो है ट्राउजर के ऊपर 10 इंच तक सिलाई लगा लूंगी और जो अजाफी ऊपर से पीस बचेगा वो उतार दूंगी। पहले मैं सिलाइयां लगा के दिखाती हूँ आपको। इस तरह से 1 इंच छोड़ के फिर सिलाई लगाऊंगी। नीचे से मैंने 2 इंच छोड़ा है। ये सिलाइयाँ मैंने लगा ली हैं। अब मैं इसकी दरमियान से कटाई कर लूंगी। दोनों पांचों के लिए पीस ये तैयार हो गए हैं।
2 इंच चौड़ाई और 2 इंच लंबाई रख के मैंने ये ट्रायंगल तैयार कर लिए है। ये मैंने चकोर पीस लेके ट्रायंगल तैयार कर लिए है इस तरह से। अब मैं यहाँ पे अटैच करूंगी ये जो मैंने सिलाइयाँ लगाई थी उनके नीचे रखते हुए ऐसे। और एक पीस यहाँ पे और ऊपर इसकी सिलाई लगा दूंगी। इसके बाद यहाँ पे एक ही पीस रख के ऐसे दरमियान में रखूंगी ये वाला पीस और यहाँ पे भी सिलाई लगा दूंगी और यहाँ पे भी 2 पीस ही रखूंगी इस तरह से। और इसके किनारे किनारे पे रख के सिलाई लगाऊंगी। ट्रायंगल मैंने सभी अटैच कर लिए। इस पीस को मैं इस पीस के साथ अटैच कर लूंगी। इस तरह से रखते हुए यहां पे सिलाई लगा लूंगी और दूसरी साइड पे भी इसी तरह से सिलाई लगाऊंगी। सिलाई लगाने के बाद इसे सीधा करके इसके किनारे किनारे पे भी सिलाई लगा लूंगी। ये दोनों साइड पे कपड़ा जोड़ने के बाद मैंने इसके किनारे किनारे पे सिलाई लगा दी है। अब मैं 5 फोल्ड करके सिलाई लगा लूंगी इस तरह से। 5 फोल्ड करते हुए इस पे भी सिलाई लगा लूंगी। उसके बाद इसे मुकम्मल कर लूंगी। ये मैंने सिलाई लगा दी है। अलास्कर डालने के लिए थोड़ा सा यहां से ओपन रखूंगी और इस तरह से मोड़ के नेफे पे सिलाई लगा दूंगी। ट्रोजर पे डिजाइनिंग मैंने कर ली है। माशाल्लाह बहुत ही प्यारा बना है। माशाल्लाह 5 बहुत ही प्यारा बना है। ये जो मैंने अजाफी पीस लगाया था उस पर डिजाइनिंग करने से इसकी लुक बहुत ही प्यारी आई है और ये भी महसूस नहीं हो रहा कि अलहदा से कपड़ा इसमें अटैच किया है। इस तरह से हम बाजुओं पे गले पे भी डिजाइनिंग कर सकते हैं। ये दोनों 5 मैंने तैयार कर दिए हैं। माशाल्लाह बहुत ही प्यारा ट्रोजर तैयार हुआ है। इसी तरह से हम घर में अपने बच्चों के छोटे छोटे पीसों से कपड़े तैयार करें तो बहुत ही प्यारे लगते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ। अल्लाह ताला आपको ढेरों खुशियां अता करे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे। बहुत सारी दुआओं के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।